में जो सेंधमारी की गई है तेजस्वी और नीतीश कुमार और कांग्रेस के द्वारा भाजपा कर रही है काला जादू चलाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र की तरह खरीदे नहीं गए हैं विधायक, रेस्टोरेंट नहीं बुक किए गए, कोई आपका वो नहीं, चार्टर प्लेन नहीं लगाए गए, वहाँ बेचा नहीं गया है। वहाँ पे लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, स्वेच्छा से वो लोग समर्थन हटाकर एक दूसरे को समर्थन देके सरकार बनाए हैं। और भाजपा अगर धरने बिहार में बैठती है तो क्या वो शिवसेना को महाराष्ट्र में बैठने देंगी, क्या कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बैठने देगी, क्या कांग्रेस वहाँ पे आपका हरियाणा उरियाणा में बैठने देगी? तो भारतीय जनता पार्टी खुद इस तरह के काम करती है, और जो बिहार में हुआ है वो होना ही था। जेपी नड्डा का वहाँ पे आगमन हुआ था, छात्रों ने बड़बड़ विरोध किया है, जेपी नड्डा काफिले में घुस गए थे, उन छात्रों को लाठी से जबरदस्त से कूटा गया है। ये सरकार खाली बिहार से नहीं गई है भाई, बिहार यूपी वाले एक स्टेप आगे थे, उन्होंने कहा तिरंगा फहराओ, उन्होंने कहा सरकारें गिराओ। तिरंगा से क्या दिक्कत है आपको सर? तिरंगा से दिक्कत नहीं है, देखिए ये तीन रंग है, लेकिन एक नरसिम्हानंदा पागल बौढ़ा आता है कहता है भगवा पहना दो, भगवा हम पहनेंगे कि फहराएंगे, फहराएंगे तो तिरंगा ना हम तो आप मुसलमानों से दिक्कत है, ये लो ये लो का तो, हम तो कह रहे देख के मर जाओ, देख कर आँख फोड़ लो, ये लो लो ऐसे ही रहेंगे, फोड़ो आँख अपनी। मौलाना साहब आप तिरंगा फहरा रहे हैं, ये तो लगा तो है, ये लगा के तो लाए हैं। नरसिंहानंद कह रहे हैं कि मुसलमानों से जितना भी तिरंगा फहरा लो देशभक्ति आपको साबित करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी। अरे देशभक्ति तो आरएसएस वालों को साबित करनी पड़ जाती है। 1942 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लेके आए, आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया, इसका साथ नहीं दिया, लेकिन गांधी जी ने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा। अगर उनको देशद्रोही उस पर गांधी जी कह देते ना, तो आज तक आरएसएस उसका जवाब नहीं दे पाती, हो जाता खेल दूसरा, तब ये राष्ट्रवादिता तेल लेने लग जाती, तब ये राष्ट्रवादी ना हो पाते। ये बताइए 2001 में तीन लड़कों ने जब आरएसएस कार्यालय नागपुर में तिरंगा फहराया तो उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? अगर उनकी उस पर गिरफ्तारी की गई थी तो नरेंद्र मोदी बोले कि जो आज तिरंगा उन्होंने कहा तिरंगा लगाओ, तो क्या आरएसएस के ट्विटर हैंडल पे तिरंगा लग गया है? आपको जलन क्यों हो रही है भाजपा तिरंगा फहरा रही है? अरे तो आरएसएस का भैया आरएसएस, अच्छा ये बताइए भाजपा प्रधानमंत्री ने कहा, अब प्रधानमंत्री को मानने वाली आरएसएस इनकी बात नहीं मान रही है, तो इसका मतलब क्या है? हम तो मर्जी है ना, अपनी मर्जी क्या है? तो प्रधानमंत्री क्या खाली विपक्ष के लिए मर्जी देनी है? मर्जी नहीं होती क्या? इनके लोगों के लिए मर्जी है, हमारे लिए मर्जी नहीं है। अभी सेंसर बोर्ड में बैठे अनुराग ठाकुर ने, सुनिए अरे सुन तो, आरएसएस की मर्जी ही तो है ये, आरएसएस की मर्जी है, मर्जी वहाँ नहीं चलती है, अडानी अंबानी पे आरएसएस पे मर्जी नहीं चलती है, मर्जी चलती है गरीब गुरबे इंसान पर, उसका राशन कार्ड दिया जाता है 20 रुपए पैसे में, तिरंगा देश का तिरंगा बेचा जाता है। क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक मिनट, अरे यही अमृत उत्सव दिखा रहे हैं, ये अमृत उत्सव 75 साल आजादी के अमृत महोत्सव ये है, ये भाईचारा आने वाले 2024 में आपको देखने को मिलेगा। सीधा होता है, देखिए आज के समय में नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल सिंह चड्ढा मूवी आई, उसमें देश के जवान के रूप में आमिर खान ने काम किया है। हम देश की सेना का बायकॉट नहीं करेंगे, हम पिक्चर देखेंगे। तो सर जिस तरह से बिहार में जो सेंधमारी आप लोग किया, आप तो बड़ी खुशी मना रहे हैं, जब महाराष्ट्र में हो जाता है तो आप लोगों को सर दर्द होता है। कोई एक वीडियो दिखाओ भी, जितने बैठे खड़े हो कि हमने ओ हो डांस किया हो। नहीं अभी आपके सामने कर रहा हूं ना, में जाके डांस हमने नहीं किया, हमने नहीं किया था, तो मीडिया कर रही थी, तो मीडिया तो गोदी मीडिया बोलो ना, गोदी मीडिया है फिर तो बोलो, गोदी मीडिया ने किया। अर्बन गोस्वामी ने मिसेस मोदी कहा है स्मृति ईरानी को, मिसेस मोदी उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, उनसे तो माफी नहीं मांगी, माफी मांगो वहाँ तो नहीं चला। जंगल राज आ गया ना बिहार में, जंगल राज नहीं आया है, जंगल राज पूरे देश में मनमोहन सिंह के जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, तो काला जादू चलाए थे 15 लाख 2-2 करोड़ रोजगार ये कर देंगे। आज तो मैंने तय कर लिया है 2022 तक पक्का मकान देंगे, लेकिन
उससे पहले कितने का मकान तोड़ना है, हमेशा कितने का तोड़ना है बताओ। अच्छा उनका तोड़ना भी उतना तोड़ेंगे, बुलडोजर चलाएंगे बेशरम लोग। आज तक देश के काले इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि गरीब को राशन पहुंचाने में जिसमें आटा चावल दाल नमक तेल बढ़ता था उसमें 20 रुपए का तिरंगा बेचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए, देश प्रेम दिखा नहीं सकते, शर्म किस बात का? क्यों नहीं दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे, खरीदेंगे नहीं खरीद सकते? कोई एक राजनीतिक पार्टी बचा बताओ जिसने तिरंगा बेचा हो। नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ 20 रुपए में बता रहे हो जो GST लगाए हो खाने में पीने में चढ़ने में उठने में बैठने में सांस लेने में। देश की सत्ता में बैठी हुई सरकार, देश की सत्ता में बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे पैसे वाली और पैसे वाली धनपति पार्टी है ये, ठीक है? बेच लगा खरीद तो वो खुद क्या कहते हैं तिरंगा भेंट नहीं कर सकते देश की जनता को? अरे 3,000 करोड़ रुपए की सरकार गिरा सकते हैं, चार्टर प्लेन मंगवा सकते हैं, चार्टर प्लेन विधायक को बैठाएंगे, पार्टी चलेगी, गोदी मीडिया। अरे तुम लोगों को भी घुसने नहीं दिए थे, ठेल दी थी पुलिस, निकलो बाहर, नहीं पूछने देंगे कुछ भी। तो आप जंगल राज में विरोध करेंगे, अंजना ओम कश्यप का विरोध करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। आठ साल से देश की जनता को मुद्दों से भटकाने वाली अगर अंजना है जनता के एक प्रहार से रोने लगी, पापा की परी मतलब पापा की परी के लिए उनके, देखिए वो हमारी बहन है, उनका विरोध गोदी मीडिया के कारण किया जा रहा है, उनका विरोध इसलिए किया जा रहा है अगर वो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं तो RSS का विरोध करें, अगर वो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 बार मुर्गा बनाया सावरकर को, उसका भी विरोध करें। भाजपा नेता सपोर्ट तो कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप। अच्छा तो वही तभी तो राष्ट्रवाद है, जले पे नमक छिड़क रहे हैं, तभी तो राष्ट्रवाद है, तभी तो राष्ट्रवाद है। समर्थन नहीं कर रहे हैं वो, जले पे नमक छिड़क रहे हैं। पत्रकार कौन है आप बता दीजिए। देखिए राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश में रहने वाले 140 करोड़ की शांति सुरक्षा सेवा भाव, ना कि हिंदू मुसलमान को अलग करना। मतलब आपके तरफ से बोले हो तो राष्ट्रवादी पत्रकार भैया, हमारी तरफ से सवालों को जनता से सवाल करना क्या, सरकार से सवाल करें ना जाके, महंगाई के सवाल करें, बताओ। अच्छा खुश तो रहिए, तेजस्वी यादव से कब देंगे 10 लाख नौकरी, मतलब 24 घंटे की सरकार से सवाल चालू हो गए और 8 साल की सरकार 2 करोड़ रोजगार पे बोल लो। देखो प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने तय कर लिया है 2022 तक सबको पक्का मकान दूंगा, सबको पक्का मकान। क्या दिन बाकी है समीर भाई? तीन दिन। अभी एक आदमी ने कहा तिरंगा लगाओ, उसने 20 रुपया दिया, कहा साहब मकान दोगे? कहीं साहब तिरंगा नहीं मांग रहा, मकान मांग रहा है। तो ये हालात है देश जनता का। अभी 15,000 करोड़ का मुजस्मा बनाया गया था, किसने बनाया ये मुजस्मा 15,00,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का, और वो बह गया। तो नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी दल कितने भी हैं, अब सहयोगी दल तो अब विपक्षी दल बनते जा रहे हैं, जिनको इनका साथ दिया उनको ये खा गई। देखिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को बढ़ाया, बहुजन को बढ़ाया, जितने भी इनकी सहयोगी पार्टी बढ़ी, लेकिन भाजपा ने क्या किया, शिवसेना खा गई, बिहार में JDU खा गई, आगे जाइए अकाली दल खा गई। तो ये जो समीकरण बन रहा है ना वो भाजपा के विरोध का है। और 2000 मैंने पहले ही कहा था कि भाजपा के नेता मेरे टच में, मैंने कई बयान दिए, और एक सरकार और गिराने वाले हैं। हरियाणा में लोग खा गए, लेकिन जेपी नरसिंह आनंद कह रहे हैं मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, हम कह रहे हैं ये लो कर लिया बहिष्कार, जब आर्थिक बहिष्कार करके क्या, हम तो कह रहे हैं ना कि भाई हम चप्पल वाले हैं, हम पंचर वाले हैं, हमें पंचर वाला रहने दो, पर कम से कम अपने हिंदुत्व जो जिसका ठेके आप उठाते हैं, उस ठेकेदार जिसका ठेका बनते हैं उनका तो ध्यान रख लो। आप उन भाइयों को अग्निवीर बना, चलो हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अनपढ़ ही सही है, जो पढ़े लिखे हिंदू भाई हैं उनको आप अग्निवीर बनाने पे तुले हुए हो। क्या मुसलमान अग्निवीर ना बनेंगे? एक मैं आपको बताता हूँ, मुसलमान अग्निवीर नहीं बनेगा, ये है मुसलमान अग्निवीर नहीं बनेगा। मैं एक बात, अग्निवीर आप पूरा उसका क्या कहते हैं, 4 साल की नौकरी 4 साल बाद करेगा क्या अग्निवीर को, समझिए आप, भाजपा नेता अग्निवीर बन भाजपा के कार्यालय का गार्ड है ना, ये बात कही है गोदी मीडिया ने भाजपा के कार्यालय का। मैं एक बात कहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि जो आर्थिक विरोध नरसिम्हानंद कर रहे हैं इनका कर दो, वही आर्थिक संपदा कमाने के लिए वसीम रिजवी को हिंदू बना के लाए थे, चंदा बटोरे थे हिंदुओं से, कैसे कर दे, मतलब खुद मुसलमान से वसीम त्यागी बन गए, पंडित बना दिए, पैसा लूट लिए, तब बहिष्कार नहीं कर पाए बेशर्म। आवाज कह रहे हो कि मोहम्मद समीर का पंडित जी बहिष्कार कर दे, बचपन की दोस्ती को खत्म कर दे, तुम्हारे मुंह में जूता ना मार दे बेशर्म, दे छोड़ो
ये संत नहीं है, लुटेरे हैं। देश तो उनको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, मुसलमानों को। देश की मुसलमानों को छोड़ेंगे देश? ना मुसलमान छोड़ेगा ना हिंदू छोड़ेगा। राज सिंह जो है वीजा बनाते कौन जी? आपको तेजस्वी यादव जी का संसद में वो सवाल याद है? हाँ हाँ, इनके जो क्या कहते हैं दिया था तेजस्वी जी ने कि किसी कोई भी माई का लाल इस देश में मुसलमान को हाथ नहीं लगा सकता, उसका हक अधिकार नहीं छीन सकता। आज प्रधानमंत्री का खुलासा करूंगा आज एक बात का, आज 12 अगस्त का एक खुलासा। प्रधानमंत्री ने भरे संसद में कहा था कि मुसलमान तय करे तो उसे किससे लड़ना है, हिंदू से लड़ना है या गरीबी से लड़ना है। हिंदू यह तय करे कि उसे किससे लड़ना है, महंगाई से लड़ना है या मुसलमान से लड़ना है। ना हिंदू को मुसलमान से लड़ना है, ना मुसलमान को हिंदू से लड़ना है, हमें इस देश के विकास के लिए लड़ना है। वो चोर प्रधानमंत्री कहाँ है, वो बेशर्म प्रधानमंत्री कहाँ है, बैठी बैकी हवा था तो वो कहाँ गया जिसे ढूंढ के लाना पड़ रहा है। जो बयान प्रधानमंत्री का था, आज देश का दिन है, आज प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ेंगे, आज वही प्रधानमंत्री जब नरसिंहानंद कहते हैं भगवा फहराओ, जब नरसिंहानंद कहते हैं कि काटो मारो, जब मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, जब तन सर से जुदा वाले नारे लगते हैं, ना उन मुसलमानों को रोका जा रहा है ना उन हिंदुओं को रोका जा रहा है, सिर्फ आग लगाने के लिए भाजपा उनको समर्थन करती है। क्या आप नीतीश को प्रधानमंत्री मानते हो चेहरा? हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानते हैं, नीतीश कुमार गृह मंत्री। वो पार्टी और महागठबंधन तय करेगा, वो पार्टी और महागठबंधन तय करेगा। का जो बयान आया वो करे कि एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है पूरे देश के सही करना, जनता की भी जिम्मेदारी। जनता क्या करे, चार महीना बैठवा दिया, लॉकडाउन है, लोग चल नहीं पाए, बेशर्मी ना करे, मुसलमान बिना देश नहीं। ये मोहन भागवत जी कह दो कुत्ते कुत्ते उत्ता हो क्या, कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि थूके चाटते हो तुम लोग। तुमने कहा मुसलमान बिना देश नहीं, फिर तुमने कहा कि चार बच्चे पैदा करो, फिर मोदी जी कानून लेके आते हैं। अरे बेशर्मो, थोड़ा बोल समझ के बोलो, पागल नहीं है देश की जनता तुमको बजाती है। हम बताए पागल नहीं है जनता, गुस्सा आप दिलाते हो। अभी आप कहते हो मुसलमान बिना देश नहीं, अभी क्या बोला मुसलमान बिना देश नहीं, यही कहा गया ना। आप मुसलमान का विरोध भाजपा सरकार करते हैं, हिंदू परिषद करते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पे बेमतलब का मारपीट करते हैं। चलिए हिंदू वाहिनी तो खत्म कर दी गई योगी जी की तरफ से, योगी जी ने खुद ही खत्म कर दिया। तो आप बताइए ना कौन कर रहा है? जब तिरंगे के फहराने की बात आती है तो 52 साल तिरंगा आप ही फहराते हो। बिहार में सरकार बन गई महागठबंधन को, कहा जा रहा मुसलमानों को क्या मिलेगा, लॉलीपॉप मिलने वाला है, मंत्रालय में तो कोई हिस्सेदारी मिलेगा नहीं। भाई एक डिप्टी से एक मंत्रालय, एक में एक में मुसलमान। 24 घंटे की सरकार से आप इतना सवाल कर रहे हैं और वहाँ 40 दिन हो गए शिवसेना की शिंदे साहब को सीएम बने हुए, और 40 दिन में क्या कहते हैं मंत्रिमंडल का गठन नहीं करा गया, और अभी हाल ही में परसों मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा। बिल्कुल बनेगा, जो बनेगा तो बनेगा, सहयोग रहा, समर्थन रहा, मंत्रालय भी मिलेगा, और सबसे सबका साथ सबका विकास बिहार सरकार दिखाने। हाँ, मोदी जी जैसा। मोदी जी अलामत दिखाइए, आप सवालों को घुमाते हैं। नहीं नहीं, आपका काम घुमाना है, हम घूमने वाले नहीं है। बिहार का जो समीकरण है तेजस्वी यादव, जो पिछड़ा आपका जो है पिछड़ा दलित मुस्लिम जो तीन है वर्ग है, वो जो समीकरण बनाया है ये 25-30 साल आप जो देख रहे हो ना, ये जो तेजस्वी यादव संसद में खड़े होके और इस बात को कहे थे जाति जनगणना की जो कानून लेके आए हैं और उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया है और वो पास करवाया कानून, देखिए ये कानून इस देश की राजनीति को कितना पलटता है, कितना हिंदुत्व को पलटता है। नहीं लेकिन जिस तरह से शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि हम जब फ्लाइट में चढ़े तो हम मंत्री थे, उतरे तो मंत्रालय चला गया, तो कहा जा रहा है कि मुसलमानों को हक मिलेगा। देखिए मुख्तार अब्बास नकवी को लेके पहले पूछे कि उनको क्यों निकाला गया। आप हमसे मत पूछो विपक्ष वालों से, आप भाजपा से पूछो ना कि मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों निकाला, क्यों मनाएंगे, सुन लो पहले, क्यों उनको दिया गया स्मृति ईरानी को, ऐलान कर चुके हैं, नाम चल रहा है, ऐलान कर चुके हैं, डिप्टी सीएम का ऐलान कर चुके हैं, आने वाली सत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए आप उनकी, कि आने वाली सत्ता में 2025 में डिप्टी सीएम क्या कहते हैं एक मुसलमान वर्ग का अल्पसंख्यक कर लेंगे हम और ठोस बजा के लेंगे और गठबंधन में कांग्रेस से रहेंगे। तो वो लग रहे प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेंगे हैं नीतीश कुमार, ये क्या कहते हैं पार्टी, ये जो उसके समक्ष होगा वो फैसला करेगा। मौलाना साहब क्या लग रहा है, मुसलमानों को हक मिलेगा बिहार में आने वाले वक्त में? बिहार नहीं, देश की राजनीति में मुसलमान माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को हर हक मिलेगा। पंडित जी आपको लग रहा है? देखिए दलित मुस्लिम सभी लोग इस वक्त पीड़ित है,
और हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात रही, हम हिंदू राष्ट्र की मांग को ठुकराते हैं, हमें भारत चाहिए। साधु संत कह रहे हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप जो बीजेपी से पैसा ले लेके खा रहे हैं, आप लोगों को पैसा दे रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें तो हिंदुस्तान चाहिए। चलिए चलिए।